लंका में युद्ध कितने दिन हुआ जानते हैं आप? 2 महीने में 1 दिन कम 59, जिसमें धन शाम के बाद काम। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, पता है गौर मूर्ति के पास, 3 बत्ती सागर। आपने भगवान की भक्ति में लीन तो कई लोगों को देखा होगा, लेकिन सागर में इन दिनों एक डॉगी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इस बेजुबान भक्त की अनोखी भक्ति देखकर हर कोई हैरान है। राम कथा सुनने के लिए यह डॉगी पंडाल में सबसे आगे बैठता है, जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाता है। जब तक राम कथा चलती है वह यहीं पर बैठा रहता है। कुत्ते के इस भाव को देखते हुए लोग भी इसे पंडाल से नहीं हटाते हैं, बल्कि उसके साथ ही बैठे रहते हैं। लंका में युद्ध कितने दिन हुआ जानते हैं आप? 2 महीने में 1 दिन कम। कोई साधारण योद्धा नहीं था। अब सोचिए, ये संभावना है। हाथ जोड़ना क्या है? संभावना है। और नीति के विरुद्ध कोई पार नहीं पाता है प्रेमी राम भक्त, क्योंकि हमारे किसी भी व्यक्ति को छोड़ देना मंथरा के जैसे, जैसे मंथरा ने कैकेयी को छोड़ दिया कि जाओ वरदान मांग लो, तो इसी प्रकार का भेद होता है। ये भेद नीति है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जब से राम कथा शुरू हुई है, पहले दिन से ही वह कथा पंडाल में बैठकर राम नाम का श्रवण कर रहा है। रात में जैसे ही रामचरितमानस को सुनने के लिए कथावाचक व्यास गद्दी पर विराजते हैं, ढोलक हारमोनियम बजाकर भगवान का आह्वान करते हैं, तो मोहल्ले के लोग कथा सुनने के लिए आने लगते हैं और उनके साथ में यह काले रंग का कुत्ता भी आ जाता है। जब तक कथा चलती है यह पंडाल में सबसे आगे बैठा रहता है। बता दें कि सागर शहर के बागराज वार्ड तिली वार्ड से लगे धर्मदास बाबा मंदिर है। इसी परिसर में 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस प्रसंग के माध्यम से रामलीला सुनाई जा रही है। काशी से आए विद्वानों के द्वारा रोजाना शाम को रामचरितमानस सुनाया जाता है। रामकथा को सुनने के लिए क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में आते हैं। ये कौन सा मंदिर है? तो छोड़ दिया, धर्मदास बाबा मंदिर है। अच्छा, कैसे काला कुत्ता जो है यहाँ पर कब से आ रहा? ये तो अपना यहीं पे मोहल्ला में रहता है, और जब से कथा हो रही है जी, हाँ, तो ये डेली का सुनता है, आके बैठता है अपने फर्श पर पंडित जी के सामने, अमृत को चुरा लिया। हम लोगों बैठा रहता है जब तक कथा चलती है। क्या कहेंगे इसके लिए आप लोग? अब चल रही है लेकिन अमृत रावण के पास बहेंगे जी, धार्मिक गुण है और वही अपनी माने किसी क्रिया के द्वारा रहता है वो। अच्छा। और कोई भूले क्रिया जाता था, रोटी भी देता है क्रिया के द्वारा, तो रावण के नाभि में ठंडी रोटी भी नहीं खाता है, गर्म रोटी खाता है। हमारा घर भी है यहीं पास में, तो वो घर पे जाता है तो उसको गर्म रोटी खिलाते हैं। अब वही भी ठंडी रोटी नहीं खाता है। आज बता रहा है कि प्रभु इस टाइप के रावण पे ऐसे विजय नहीं पाओगे। ठीक। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर।